सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। नमस्कार, मी डॉक्टर उत्तम रामराव इंगोले, देगलूर बिलोली विधानसभा उपनिवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीकडून मी उभा होतो। या 30 तारखेला मतदान झालं आणि मतदानाच्या दिवशी 2 तारखेला विधानसभेचा निकालसुद्धा आला। त्या निकालामध्ये मला केवळ 11,335 मतं भेटली आणि ज्या ज्या मतदार बांधवांनी भगिनींनी मला मतदान दिलेलं आहे त्यांचेसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। आणि ज्या मतदार बांधवांनी मला मत दिले नाही परंतु वंचित बहुजन आघाडी एक सक्षम पर्याय म्हणून देगलूर आणि बिलोलीमध्ये एका आशेनं सर्व समाज बघतायत आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये वंचित बहुजन आघाडी ही या देगलूर आणि बिलोलीमध्ये सक्षमपणे कार्य करत राहील। सध्याच्याला या दिवाळीच्या काळामध्ये आपल्या सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींना मी दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो आणि येणाऱ्या ज्या काही निवडणुका असतील त्या सक्षमपणे वंचित बहुजन आघाडी निश्चितपणे निवडेल आणि या देगलूर बिलोलीमधील सर्वच्या सर्व जनतेला वंचित बहुजन आघाडीकडून न्याय आणि हक्क देण्याचा प्रयत्न करील। सर, आने वाले दिनों में नगर पालिका का इलेक्शन लगने वाला है, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी की क्या भूमिका रहेगी? वंचित बहुजन आघाड़ी ने देगलूर बिलोली विधानसभा में एक अपना नाम और अस्तित्व बनाया है। अभी 2022 में नगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं और इस इलेक्शन में देगलूर में और बिलोली में भी पूरे के पूरे सीट्स वंचित बहुजन आघाड़ी उसी जम के ताकत के साथ लड़ने वाली है जैसा विधानसभा में लड़े वाली है। और हमारे हर एक वार्ड में कैंडिडेट खड़े रहेंगे और हम जितना हो सके उतना जीतने की कोशिश करेंगे। सबका धन्यवाद, आभार। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव।